Adna Shanbog may be no more, but the nurses who kept the former KEM nurse alive by showing unprecedented care want the assailant to pay the price. In a memorial organized in Mumbai's KEM hospital, the nurses of the hospital want Sohan Lal Valmiki hanged. Valmiki had assaulted Aruna with a dog chain and brutally sodomized her, leading to her vegetative state. Aruna recently died after living in a vegetative state for over 4 decades. The nurses and the doctors who cared for Aruna urged the government to charge Sohan Lal with murder. The former ward boy, who had served 7 years in jail for attempt to murder and burglary, now claims that he never sexually assaulted Aruna. हमें भी ऐसा पता लगा है कि उसने मी मराठी में ऐसा कुछ भी कहा है कि मैंने ये बलात्कार किया ही नहीं है, तो जबकि ये पूरा सिद्ध हो गया है कि उसने किया है, तो ऐसे लोगों को चाहे वो बुड्ढा हो गया जो भी है, उसे उसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। 7 साल बहुत कम थे उसके लिए। जब भी उसे या तो तड़पाया जाए या उसे फांसी हो जाए। फांसी होना भी एक्चुअली देखा जाए तो एक तरह से कुछ फांसी दिया छूट जाएगा। उसे ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि वो भी कम से कम थोड़े जितने साल जिए उतने साल तड़पे। सही, फांसी फांसी होनी चाहिए उसको, एक को फांसी देंगे क्योंकि उसने उसने इतना 42 ईयर्स ऐसा ही लाइफ बर्बाद कर दिया है उसका, तो उसको फांसी होना, वो आराम से रह गया कुछ एविडेंस नहीं है करके, लेकिन भोगत सिर्फ उसने अरुणा जी ने भोगता है सब। और मैं तो कहूंगी कि महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में अगर कोई इस तरीके से साजिश करता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होना ज़रूरी है। मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, उनको मैं खुद मेमोरेंडम देने वाली हूँ और मेरी ये ज़रूर मांग है कि इसके कानून के बारे में और जानकारी और इसमें किस तरीके से कदम उठा सकते हैं इसको देखते हुए सोहन लाल पर और उसको सज़ा होना ज़रूरी है। कहा जाता है कि आपने बलात्कार भी किया था, ऐसा आरोप लगाया जिसकी सज़ा आपको 7 साल की दी गई, क्या आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था? नहीं साहब, बिल्कुल ये बात गलत है। डॉक्टर ने भी मतलब जो है चेकअप किया था तो मतलब कोई रिपोर्ट नहीं दी। मेरे को 307 और 392 में 14 साल की सजा हुई, जिसमें कॉन्डेट होकर के 7 साल मेरे को। अच्छा, ये बताइए क्या थप्पड़ मारने भर से ही कोई इतनी ज्यादा घायल हो सकता है कि 42 साल तक ही बिस्तर पर पड़ा है कोमा में? अब साहब ये तो मेरे को पता नहीं, फिर मैं चला गया। मैं अच्छा, इससे पहले कभी आपके ऊपर कोई आपराधिक आरोप नहीं था, लेकिन जब इतना बड़ा वारदात, इतना बड़ी घटना हो गई, आपको सजा मिली, आप क्या सोचते थे, क्या लगता था आपको? आपको बुरा फील होता था, आपको लगता था गलती हो गई, क्या लगता था? अब साहब मेरे को थोड़ा सा यही फील हुआ कि मतलब जो तेने एक थप्पड़ मारने से वो गिर गई, ये मेरे को दिल में थोड़ा। 7 साल जब आप जेल के अंदर रहे तो आपके मन में ख्याल आता था कि आपसे कोई गलती हो गई है? हाँ साहब, वही मतलब जो चाटा मैंने वो थप्पड़ मार दिया था, उसी के मतलब जो है मुझे वो एहसास।